जी हाँ नमस्कार साथियों, को और बड़ी खबर कोटा जिले से मिल रही है। जिले की रामगंज मंडी से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोटा एसीबी ने बुधवार देर शाम को पटवारी और दलाल को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जहां पर रिछड़िया और मंडा पटवारी प्रतीक खूब चांदनी और दलाल लेखराज ने भूमि नामांतरण की एवज में 9,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद एसीबी को शिकायत मिलते ही उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि एसीबी सीआई चंद्र कंवर ने बताया कि 17 नवम्बर को फरियादी की ओर से रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट में बताया कि भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में पटवारी प्रीति खूबचंदानी और दलाल लेखराज 9,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने मौके पर जाकर रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीपी कोटा के एसीपी आलोक श्रीवास्तव के सुपरविजन में कोटा इकाई एसीपी विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया था। वहीं बुधवार को कोटा टीम ने कार्रवाई करते हुए प्रतीक खूबचंदानी पत्नी सुए राकेश साडीजार निवासी 2F18 विज्ञान नगर कोटा, जो अभी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में किराए से रह रही है। वहीं दलाल आरोपी लेखराज पुत्र राजाराम निवासी ग्राम कुदायला रामगंज मंडी को 9,000 रुपये की रंगे हाथ रिश्वत ले गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। सो दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल से। अगर आप चैनल से नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।